पूरा देश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है। इसी बीच कई लोग बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है तो कोई भाड़े की बसों में। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने लिए भाड़े की गाड़ी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप पर विश्वास करके पैदल ही यात्रा करना सही समझा और ऐसे लोग पैदल ही यात्रा करके अपने गाँव पहुँचे हैं। आज हम इस वीडियो में लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वाले ओम मन्ना की चमत्कारी घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर की है। जिसे सुनकर तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब उस व्यक्ति ने एक बात करी तो हमें भी विश्वास करना पड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं लॉकडाउन में घटी 2020 की घटना की ओर। शैलेश यादव नाम का एक शख्स लॉकडाउन के कारण अहमदाबाद से पैदल ही रवाना हो गया। 4 दिनों तक टैंकर और ट्रक वालों से मदद मांग मांग कर यह पाली तक पहुंचा, जहां से शैलेश पैदल चलता रहा। पर कोरोना के डर के कारण कोई ट्रक ड्राइवर ट्रक रोक नहीं रहा था, जिस कारण शैलेश चलता रहा और काफी थक भी गया था, तो भी शैलेश चलता रहा। शैलेश चोटीला गांव पहुंचा, जहां ओम मन्ना के मंदिर के बाहर बैठकर पानी पिया। लेकिन शैलेश ने मंदिर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 15 मिनट बैठकर वापस पैदल रवाना हो गया। शैलेश ने कहा कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मुझे एक व्यक्ति ने बुलाया, जिन्होंने पूछा कि भाई आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आए हो। तो मैंने अपनी आप बीती उस व्यक्ति को बताई, तो उस व्यक्ति ने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया, जो एक बहुत पुरानी बाइक थी और वो आवाज़ भी बहुत कर रही थी। जिन्होंने मुझे काफ़ी बातें भी करी और मैंने भी उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम ओम सिंह राठौड़ बताया और कहा कि मैं चोटीला का निवासी हूँ, समाज की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और कहा कि इस इलाके का सबसे बड़ा सेवक हूँ। अगर आपको देखना है तो कभी फ़ोन पर ओम मन्ना सर्च करके देखना। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम दोनों जोधपुर पहुँचे और उन्होंने मुझे जोधपुर से यूपी की तरफ जा रहे ट्रक में बिठाया। इसके बाद मैं सकुशल अपने घर पहुँच पाया, जिसका श्रेय मैं ओम सिंह राठौड़ को दे रहा था। जब मैंने घर आकर ओम मन्ना सर्च किया तो ओम मन्ना की वीडियो और हिस्ट्री दिखी तो मैं अचंभित हो गया, और जब उनकी फ़ोटो देखी तो मैं विश्वास नहीं कर पाया। जिसके बाद जब मैंने आपके चैनल टॉप बट्टू को देखा, जहां से पता चला कि वे ऐसे कई चमत्कार कर चुके हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगा कि भगवान ने खुद मेरी रक्षा करी और मुझे अपने घर तक पहुँचाया। मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि साक्षात भगवान मेरे साथ 1 घंटे तक रहे। इसके बाद मैंने इस घटना को आपके चैनल के साथ शेयर करने की सोची। ये थी शैलेश की लॉकडाउन में घटी चमत्कारी घटना। ओम मन्ना की चमत्कारी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय ओम मन्ना रिसा।